फॉल होना या धातु जाना सपने में, मतलब नींद में, तो एक बीमारी करके लोग मेरे पास में आते, उसके बारे में मैं आज का वीडियो आपको आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। जो लोग शादी जिनकी होने की बाकी है, उम्र 13-14 साल के ऊपर की है, हस्तमैथुन करता नहीं है, जैसा उम्र में आता है बच्चे का पुरुष बन जाता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार हो जाते हैं, हार्मोन अंदर से नए नए तैयार हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन जैसे, तो फिर जो नेचर है वो चुप नहीं बैठने देता, फिर उसका कुछ तभी उसको कांटेक्ट करना जरूरी होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है लड़कियों के तरफ या लड़कों के तरफ, हस्तमैथुन कर लेता है और फिर उसका समाधान या उसकी मन की शांति हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सेक्स है, हस्तमैथुन भी करता है, मगर तभी भी सेक्स बहुत ज़्यादा है या हस्तमैथुन करता ही नहीं है, मगर विचार आते हैं, विचार दबा देता है, वो हस्तमैथुन बुरा है करके करता नहीं, ऐसे लोगों की धारणाएं होती है कि हस्तमैथुन बुरा है। तो फिर ऐसे लोगों को जब वो उम्र में आते हैं तो रात में सपने में नाइट फॉल हो जाता है, उसको बोलते हैं स्वप्न दोष। तो स्वप्न दोष जो है वो नॉर्मल है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिनकी शादी होने की बाकी है, जो हस्तमैथुन करते नहीं उनको स्वप्न दोष तो होना ही है। ब्रह्मचर्य यह जीवन है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसे बोलने वाले लोग इसको बहुत गलत मानते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि स्वप्न दोष जो है वो एकदम नॉर्मल है, वीर्य जाने से कुछ कमजोरी आती नहीं है, हस्तमैथुन में वीर्य जाने दो, सपने में जाने दो, पेशाब के समय जाने दो, वीर्य जाने से कोई कमजोरी आती नहीं है। वीर्य तैयार होता है अंदर तो वीर्य बाहर जाएगा ही, वीर्य अंदर जमा करने के लिए कोई टंकी नहीं है, टैंक नहीं है कि वो जमा हो जाएगा और शादी के बाद में धीरे धीरे उसको निकाल लेंगे, ऐसा कोई स्टोर हाउस अपने में नहीं है कि वहाँ वो जमा हो जाएगा धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो यह जो गलत फहमी लोगों में है कि स्वप्न दोष होना मतलब नाइट फॉल होना यह बहुत बुरी बात है, उसमें देखो तबीयत ठीक नहीं हो रही है या उसमें से बहुत कमजोरी आ रही है, लोग बोलते हैं हस्तमैथुन से भी बहुत कमजोरी आ रही है, हस्त में देखो गाल बैठ गए, वजन कम हो गया, सपने में जा रहा वीर्य इसमें भी वजन कम हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों नॉर्मल प्रक्रिया है। वजन कम होता होगा या वजन कम हो रहा है तो एक ही कारण से हो रहा है, वो है कि लोग अनपढ़ रहना, लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होना, और फिर जब मालूम नहीं है लोगों को लगता है कि वीर्य बहुत जा रहा है, वीर्य बहुत जा रहा है, कमजोरी आ रही, कमजोरी आ रही, तो वो फिक्र से उनका खाना पीना कम हो जाता है और वो फिक्र से उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है। हस्तमैथुन से या स्वप्न दोष से वीर्य मतलब वीर्य जाने से वजन कम होता नहीं है, वो तो एक सादी बात है कि भाई वो चिंता से ऐसा हो जाता है। तो नाइटफॉल होना, सपने में वीर्य जाना बहुत ही नॉर्मल है, वीर्य जाने से कोई कमजोरी आती नहीं है, वीर्य जाने से कुछ नुकसान होता नहीं है, वीर्य जाना उल्टा अच्छा है। इतना ही है कि सपने में वीर्य जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं तो सुबह उठ के गिल्टी फीलिंग न करते हुए, अपराधीपन की भावना नहीं आते हुए, या बहुत कुछ तभी खराब हो रहा है, कोई अपने अपराध किया हुआ है ऐसा ना सोचते हुए कपड़े धो के काम को लगना चाहिए, या फिर जो हस्तमैथुन करते हैं उनको नाइटफॉल का प्रॉब्लम होता ही नहीं है क्योंकि उनका वीर्य वैसे निकल जाता है हाथ से किया और वो मन का उनका मन शांत रहता है, फिर वो सपने में होंगे ही नहीं नाइटफॉल। तो इस तरह का ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, लोग इसमें बहुत परेशान हैं, स्पेशली यंग लड़के हमारे पास में आते हैं और वो बहुत फिक्र में रहते हैं, उनको लगता है कि भाई इससे शिश्न में कमजोर मतलब जोर कम हो गया, कमजोरी आ गई, अब मैं शादी के बाद में क्या करूँगा, ऐसा उनको लगता रहता है और वो डिप्रेशन में चले जाते, कोई कोई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो लोगों को ज़्यादा यंगस्टर्स लोगों में, 14 साल के 25 साल के बीच के लोगों में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, उनको इसकी जानकारी होने दो, ताकि लोगों को ये जानकारी होती है तो लोग गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, सुसाइड नहीं करेंगे या और भी कोई गलत रास्ता वो अपनाएंगे नहीं। हमारा जो मकसद है, मिशन है, वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।